नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम मैकेनिक में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूँ और उसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको हम एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टी मीटर बहुत से नामों से जानते हैं। तो आपको मैं जो जो वीडियो बनाऊँगा, जो जो चीज़ें आपको बताऊँगा आगे आने वाले टाइम में, उसमें हम बहुत ही कम टूल्स के अंदर आपको सारी चीज़ें बताएंगे जो कि मैक्सिमम आपके घर पे ही होती हैं। उसमें सिर्फ यही एक टोंग टेस्टर या मल्टीमीटर आप बोल सकते हैं जो आपको बाज़ार से परचेज़ करना पड़ेगा। ये मोस्टली आपको हर बिजली की अच्छी शॉप पे मिल जाएगा, आप इसको मल्टीमीटर बोल सकते हैं। और ये 300, 400 मैक्सिमम 500 की रेंज तक आता है, इससे महंगा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रेंज में आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर बैटरी भी लगी होती है और ये बैटरी लगा के यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस पे क्या सीखने वाले हैं, इसमें हमने आज घर की वोल्टेज कैसे आप चेक कर सकते हैं वो बताऊंगा। क्योंकि जो वोल्टेज होती है ना, वही मेन फैक्टर होती है हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चलाने के लिए। अगर वोल्टेज आपके घर पे लो है, 200 से नीचे है, दोस्तों जो वोल्टेज होती है वो मेन फैक्टर होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चलाने के लिए। आपके घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, चाहे वो फ्रिज है, एसी है, कूलर है, लाइट है, पंखे हैं, सभी वोल्टेज से इफ़ेक्ट होते हैं। अगर लाइट 240 प्लस आती है, 245, 50 आती है तो वो भी हार्मफुल है, और 200 से नीचे जाती तो वो भी रिस्की होती है इन सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसमें आप इजीली कैसे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए आप, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। आपको मैं आज मेन वोल्टेज का ही पॉइंट बताऊंगा, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। ये जो लीड है ये इसके साथ ही आएगी और इसके साथ बैटरी आएगी। ये आप नया ख़रीदेंगे तो आपको ये तीनों चारों चीज़ें इसके साथ मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये वाला जो एम्पियर का होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एम्पियर कैसे चेक करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके नीचे वोल्टेज लिखा हुआ है और ये वोल्टेज का निशान भी बना हुआ है, साथ में 750 लिखा हुआ है। इसके नीचे वोल्टेज 1000 भी है, लेकिन आपने वहाँ पे नहीं करना। ये आप नॉब को ऑफ है ऑन करके ये वोल्टेज 750 पे ले आइए। 1000 पे आपको वोल्टेज चेक नहीं हो पाएगी घर की, 750 पे आपको एक्यूरेसी मिलेगी इसके अंदर। तो ये देखिए अभी मीटर के अंदर 000 आ रहा है, एच वी आ रहा है और माइनस का यहाँ पे साइन बना हुआ था जो कि अब हट जाएगा और आता रहेगा, इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेन है ये ज़ीरो आ रहा है, इसमें कोई भी अगर एरर आता है वोल्टेज शो होने से पहले, आप यूज़ करने से पहले कोई एरर आता है तो आप चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने नॉब आगे पीछे कर रखी हो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो ही आना चाहिए। अब ये देखिए मेरे पास दो लीड हैं जो मैंने इन पॉइंट्स पे लगा दिए। ये वोल्टेज लिखा है, ये कॉम लिखा है, इस पर आपने ये लगानी है। इस पॉइंट को आपने खाली छोड़ना है, ये वाला इसको मेज़रमेंट नहीं करने के लिए होता है। एक रेड है, एक ब्लैक है, इसमें आप कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये आप कहीं पे भी कोई भी वायर लगा सकते हैं। ये देखिए अब ये मेरे हाथ में मीटर है, मैंने वोल्टेज 750 पे किया है और ये दोनों लीड मैंने हाथ में इस तरीके से पकड़ लिए हैं। ये इंसुलेटेड होती हैं, अगर आप इसको सॉकेट के अंदर लगा के स्विच ऑन करेंगे तो आपको कोई भी अर्थिंग या करंट नहीं लगेगा, इसकी आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन करने के बाद ये एक पॉइंट मैंने इसमें लगाया और एक पॉइंट मैंने इसमें लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये घर की लाइट जो हमारी आ रही है, ये देखिए 200 से लेके 220 के बीच में ये रेगुलर आ रही है। ये देखिए अब ये स्टिल होगी 220-230 के आसपास ये चल रही है, 24। अगर ये आपकी लीड थोड़ी सेट नहीं होंगी तो ये गड़बड़ कर सकती है। ये देखिए ज़रा सा मैंने हिलाया तो वोल्टेज अप डाउन होगी एकदम से। आप इसको एक या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड मिला के रखिए और कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, फिर ये स्टिल हो जाएगी वोल्टेज, तो आपको एक्यूरेट पता लगेगा आपके घर की लाइट। ये देखिए 222 वोल्टेज इस टाइम हमारे घर पे आ रही है, 221 इस तरीके से ये रहेगी, इसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आपके घर पर कितनी आ रही है और इससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी या लाइट 245 या 250 आती है, तो मान लीजिए आपके घर पे कोई एसी चल रहा है, वो उस टाइम में कंप्रेसर को करंट ज़्यादा देगा तो आपका एसी
इफ़ेक्ट करेगा, कूलिंग नहीं करेगा। कूलर भी इस तरीके से मोटर हीटअप हो सकती है। तो ये वोल्टेज आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं और बीच बीच में रेगुलरली आपको चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई भी कंपोनेंट आपका ख़राब ना हो। कभी अगर आपको लगता है कि वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में आप जो भी इलेक्ट्रिकल कंपनी आपको सप्लाई दे रही है तो आप कंप्लेंट करा के उसको ठीक भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।